पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पलक्कड़ जिला सचिव अबुकर सिद्दीकी को केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी पीएफआई कार्यकर्ताओं के एक समूह के साथ कई पार्टियों के नेताओं की हिटलिस्ट तैयार करने में कथित रूप से शामिल था। अबुकर सिद्दीकी के निशाने पर भाजपा, माकपा, आईयूएमएल, यूथ लिंग की शाखा के लोग शामिल थे। जानकारी के मुताबिक आरएसएस के स्वयंसेवक श्रीनिवासन की 16 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। श्रीनिवासन पर 6 आरोपियों ने मेलपुरा में उनकी मोटरसाइकिल की दुकान पर हमला किया था। घटना से एक दिन पहले सुबेर नाम के एक पीएफआई कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। ऐसे में पुलिस को शक था कि सुबेर की हत्या का बदला लेने के कारण श्रीनिवास की हत्या की गई है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया था। जांच के बाद अबुकर सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, इस मामले में पीएफआई से जुड़े 20 से ज़्यादा लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कई तरह के हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगातार लगता रहा है।